Secrets of Life with Subhas Sagan. Uh, let's dive into a spiritual uh, part or a spiritual perspective uh, into Ganja and more. ऑन द वाइडर लेवल ऑल्सो हमने थोड़ा तो पहले भी पूछा था हमने फिर भी जो गांजे का स्परिचुअल इफेक्ट है बहुत से लोगों ने कहा है हमने आयवास्का का भी बात किया था तो और आयुर्वेद में ऐसे और भी संतों ने भी कहा है कि जो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग है एक होता है साधना से दूसरे मंत्र चैंटिंग हुआ तपस्या हुआ ध्यान हुआ और संतों की कृपा से या शरणागति से या भक्ति से भी प्राप्त होता है उसी हिसाब में आयुर्वेद में भी कुछ ऐसे औषधियां -ऐस, हैं उन औषधियों का सम्यक प्रयोग से भी आपको अवेकनिंग होता है दिस इज ऑल्सो मीन ट्रूथल स्पीक अबाउट दैट सो अब इसमें और औषधियाँ का भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो तो और गांजे का स्पेशली बता दीजिए uh... गांजा धतूरा आया होस्का सिलोसाइबिन मशरूम्स मशरूम्स में कई किस्म के होते हैं सिलोसाइबिन हम उनको इन जनरल एक टर्म दे देते हैं साइकडलेक् उसके अलावा आ, एक तरह का पेटे जो मैंने कैक्टस एक तरह का होता है फिर इबोगा नाम का एक सब्सटेंस होता है Hmm. आ, ये सब स्पिरिचुअलिटी से ट्रेडिशनल इस्तेमालों से रिलेटेड है जिसमें जो शामन होता है या hmm. जो पंडित होता है hmm. आ, वो आपको आत्म रूप में लेके जाता है आप शरीर में यहीं पे होते हैं उस तरफ जो आत्मलोक है उस तरफ लेके जाता है कई बाधाएं होती हैं उनको काटता है या एक्सपीरियंस hmm. कराता है hmm. और फिर लेके आ जाता है यहाँ पर hmm. मेरा ये कहना है कि ये सारी चीज़ें जब आप स्पिरिचुअली करें तो कभी अकेले ना करें क्योंकि कई बार हमें पता होता है कि हम जाएं कैसे सीढ़ी चढ़ जाते उतरते टाइम जान पे आता है अकेले होते हैं तो अगर पूरा पहाड़ चढ़ जाए खड़ी सीढ़ी जैसा हो साथ में कोई होना ज़रूरी हो जाता है ऐसा मुझे लगता है तो ये सारे सब्सटेंसेस का मैंने नाम लिया आपको और ज़िम्मेदार होकर इनके बारे में सोचना चाहिए जो गांजा है वो इन सब में सिर्फ और सिर्फ पहला ये जो बोलते हैं ना एग्जिट ड्रग वो एग्ज़िट आपको मेट्रिक्स से करवा देता है मेट्रिक्स मतलब कि आप इस दुनिया में एक बूंद है या पूरी दुनिया है वो समझा देता है तो जो संत गुरु जो बोलते हैं अब उसको आगे किस तरह से काम करना है कैसे नहीं करना अब खाली वो समझ गए अब उसके आगे कुछ कर ही नहीं रहे तो फ़ायदा क्या अब ये समझ लिया हमारा शरीर या दिमाग या आत्मा आईफोन है काम हम कर रहे हैं टेलीफोन वाले उससे तो फिर फायदा क्या अगर खाली भूख के बैठ जा रहे हैं कुछ नहीं। कर नहीं रहे तो फायदा क्या अगर लोगों की मदद कर रहे हैं जाके बिल्डिंगे बना रहे हैं खाना बना रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो समझ में भी आता है तो वो स्पिरिचुअलिटी से भी मुझे ऐसा लगता है जो सब हाईली स्पिरिचुअल होते हैं वो अपनी स्पिरिचुअलिटी भी वो शेयर करते हैं वो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो जब आपके ये एक्सपीरियंसिस हों तो अपनी कम्युनिटी के साथ ज़रूर शेयर करें बहुत ज़रूरी है लेकिन वो एक्सपीरियंसेस स्पिरिचुअली कभी अकेले ना लें शाम के साथ ही लें बेसिकली जो एक्सपीरियंसड होता है इन सब चीज़ों में ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस आए ना कि क्योंकि जो पहली बार जाएंगे आप जैसे मैं किसी किसी नई कंट्री में जाना हुआ तो आपके पास एक गाइड होगा जहाँ तो आप अकेले भी सकते हो जाते ही हैं लेकिन आपके पास गाइड होगा तो बहुत स्मूथ हो जाती है वो चीज़ बस आप इस प्रोजेक्ट को लेकर जो बहुत सी जगह ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत से लोग मिलते हैं और गांजा आ, स्मोक करने वाले जो संत हैं बाबा है साधु हैं उनको भी मिलते होंगे और लोग भी ऐसे भी मिलते होंगे तो आप कुछ उदाहरण हमें बता दीजिए कि गांजा इन स्मोक करने वाले संत या बाबा या साधु कोई आपको ऐसे मिले जो जो बहुत से एक अलग ही लेवल में उनका एक रहना है रहनी मैं शुरुआत करूंगी भगवान गोपीनाथ जी से जो कि कश्मीर के हैं जो कि अब इस शरीर में तो नहीं है और बहुत पहले के हैं जो कि शारदा शक्ति पीठ बेसिकली उस तरफ के बोले जाते हैं जो आदि शंकराचार्य जी का जो हरी पर्वत है वो वहाँ पे बैठ के पूजा करते थे और चिलम पीते उनकी जितनी भी पिक्चरें आज भी हैं सब चिलम पीते हुए अच्छा। आदि शंकराचार्य का जो वहाँ पे मंदिर है ना हरी पर्वत पे और उनकी आज भी वो चिलम रखी हुई है उसको आरती की तरह यूज़ करते हैं वो अगर आप साईं बाबा का नाम सुना होगा आपने अगर आप शिरडी जाएंगे साईं बाबा का जो आश्रम है एक तो मंदिर है आश्रम साथ में लग के है उसमें म्यूजियम है उनका उस म्यूजियम में बारह चिलमे है बाबा की अच्छा उनके अलावा गजानन महाराज एक है महाराष्ट्र के है ना उनका भी नाम बहुत फेमस है साईं बाबा के टाइम के वो भी थे उनकी आरती तो आज तक चिलम पे ही होती है अभी तक तो मैंने सिर्फ उनका नाम लिया जिन्होंने शरीर तो चिलम तुम डेली देख रहे हो तो उससे प्रॉब्लम नहीं।, नहीं है गजानन महाराज गजान साई बाबा एक फिल्म भी बना था मैं उनका फिल्म देखा हूँ उसी शायद बहुत पुराना फिल्म था और उनको शिव का अवतार मानते थे लोग वही है गजानन, गजानन महाराज अच्छा, है और साईं बाबा भी और, हैं। और वो, वो गांजा बहुत खाते थे गांजा फूक हाँ, स्मोक करते हाँ, थे हाँ, स्मोक करते थे ठीक ठीक उनके अलावा आ, नागा बाबा जो होते हैं वो बहुत वो सेवन करते हैं मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे साधु संत करते हैं लेकिन हाँ जो मैंने देखा है जैसे यहाँ पे भी जो गोरखनाथ मटके हैं साधु वो नहीं। सपोर्ट करते हैं और हाँ इसका सेवन करते हैं उसका उपयोग करते हैं आत्मा का भगवान से जो नाता होता है उसको और मजबूत करने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करना आना चाहिए दुरुपयोग नहीं।, नहीं।, नहीं तो ऐसे बहुत हैं Uh, संत जिनसे मैं पूरे लास्ट दस साल में मिली हूँ अपने जीवन में उनके साथ उन सब के साथ बैठी हूँ उनके साथ में फूकी हैं उन लोगों ने सिखाया मुझे में स्मोक करना uh, और मैं यही कहूँगी कि मैंने आज तक ऐसा कोई भी चिलम पीने वाला ना, बुरा मत, मैंने हत्यारा तो नहीं देखा आज तक दारू पीने वाले ज़रूर देखे हैं ना चिलम पीने वाला ऐसा नहीं देखा जो मैंने जो खून करता होगा लेकिन और इज्जत जहाँ पे दारू चल रही होती है वहाँ पे मैंने औरतों की इज़्ज़त उतनी ऊपर ना देखी हो लेकिन जहाँ पे चिलम चल रही होती है दीदी माँ ही होता है अगर कोई औरत बैठी होती है कोई और किसी नज़र से देखता भी नहीं है और ये सिर्फ आश्रमों की बात नहीं है मैं पहाड़ों पहाड़ों पे बैठी हूँ लोगों के वहाँ पर भी चाहे वो बड़े हों चाहे कोई भी हो दीदी बोलते थे तो बहुत एक बोलते हैं ना एक इज्जत लेकिन जब दारू अल्कोहल से रिलेटेड ये नहीं होता इंसान अपने माँ बाप को भूल जाता है दारू के नशे में दूसरों को क्या याद रखेगा बहन भाई हमारे गांव में एक बाबा जी हैं वो वहाँ पर एक ताल है बुद्ध मंगल करके और कहते हैं कि भगवान बुद्ध का एक मंगल नाम के एक थारू आदिवासी कोई दोस्त थे और जब वो त्याग करके जा रहे थे तो वहाँ पर आके एक दिन रुके थे और फिर बुद्ध और मंगल को जोड़कर वहाँ पर एक श्राइन बना हुआ है तो वहाँ पर एक बाबा बैठ रहते हैं और उनका काम ही बस चिलम बनाना और फूकना और फूकने से पहले जो बनाने का वो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा होता है एंड दैट इज़ वेरी मेडिटेटिव वो आराम से एकदम मतलब खोए होते हैं मतलब वो बहुत लंबा प्रोसेस होते हैं काटना बनाना एक काटने वाला होता है एक काट का कुछ उसमें काटना फिर उसको चिलम में भरना फिर जलाना फिर कुछ मंत्र पढ़ना बट एट द सेम टाइम वो कुछ प्रवचन देते नहीं है और कुछ ज्ञान की बात ही कर, कहते नहीं बस उनमें अपने आप में मगन रहते हैं सबसे बड़ा ज्ञान होता है शांति सबसे बड़ा चाहे वो नोबल साइंटिस्ट हो उससे पूछेगा क्या सबसे बड़ा लेसन क्या देना चाहेंगे जीवन में दूसरों को अमन प्रेम शांति तो अगर इंसान जो बोलते हैं लोग कि इतना बड़ा नशा है नशा है अगर इंसान संयम में अपने आप के साथ बैठ सके स्माइल के साथ और ऐसी एनर्जी इमिट कर सके कि आसपास के लोग भी फील करें एलिवेटेड उससे बेटर चीज़ क्या हो सकती है तो ऐसे ही इसी को चौपाल बोलते हैं चिलम की चौपाल बेसिकली चाय चौपाल मतलब होता है एक ग्रुप बना के, के बैठना जैसे चाय पे चर्चा होती है अच्छा 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 चिलम की चौपाल इंसान एक दूसरे के साथ शांति में बैठ सके को, और कोई बाबा बनाता है फिर वो कोडिपेंडेंस में वो चिलम घूमता पहली बात तो कोडिपेंडेंस एक एक माल लेके आएगा एक उसको साफ करेगा, करेगा वो, एक साफ़ी को दाना बना के रखेगा एक साफ़ी जो उसका पैक रहता है फिर एक पानी लाके रखेगा ताकि पानी से उसको भिगा के रखा जाए जो लास्ट होगा या कोई और होगा वो उसकी जो आग अंगार का होता है वो इस्तेमाल का करता है और बैठे होंगे पाँच छः लोग ये चार लोग ये पूरा इंतजाम करेंगे उसके बाद भी दारू की तरह हर कोई अपना ग्लास ऐसे पकड़ के नहीं बैठेगा वो एक ही चिलम होगी जो सब पे चल रही होगी और सबको उतना ही पफ मिलेगा ये एक डिपेंडेंस एकता दिखाना और साथ में एक दूसरे के साथ सब शेयर करना तो अब वो जब हम एक स्मोक बोलते हैं ना शेयर हो रहा है एथर बॉडी में हम जुड़ते जा रहे हैं एक दूसरे के साथ अब उस चीज में जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला बीइंग होता आ, है आज की कोरोना काल के समय में एक ही जिलम फूकने तो क्वाइट नॉट एट ऑल मैं खुद ऐसे गाँव में थी जहाँ पे आस के वो गाँव में और आस के गाँव में एक भी कोरोना का केस नहीं हुआ था मलाना एक भी करोना का केस और सब चिलम पीते हैं। सब चिलम पीते हैं। अपनी अपनी साफी जरूर हाँ। पार्वती हाँ। जी जी है। उस तरफ तो फिर भी एक दो केसेस हुए थे कसोल वगैरह में अच्छा। मलाना निरांग वाइचिन अच्छा। एक भी केस नहीं था और अच्छा। ये आ, चौकी चार गांव एक भी केस नहीं था कोरोना का तो सब चिलम वाले थे तो कोरोना कैसे वायरस को कैनबिस मार रहा था hmm. ये भी रिसर्च हो चुकी है और दिखाया गया था really? मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी आप लोग जाके देख सकते हैं आ, करोन, आ, आ, करोना कैनबिस मेडिसिन फॉर करोना ट्रीटमेंट कई लोग जो कैनबिस का सेवन करते थे उनके अगल बगल वालों को करोना हुआ था और उनको नहीं हुआ अगेन सामने oh. देखी आप गौरिका से मिले थे जी. उनके पति को उनके बच्चे को उनकी माँ को सबको करोना हुआ था सिर्फ hmm. और सिर्फ उनको नहीं हुआ था ah. उनके अलावा भी ऐसे कई लोग हैं अच्छा तो ये जो करोना वायरस था ना ये बॉडी का एक सर्टेन टेम्परेचर होता है hmm. उसमें एंटर करता है और सरवाइव करता है पनपता है जो hmm. चिलम स्मोक करते हैं या कैनअ स्पेशली स्मोक करते हैं वो टेम्परेचर से उनका या तो कम ही रहता है तो पनप ही नहीं पा रहा था एंड इट इज़ अ प्रूविन थिंग इतना प्रूवन कि देर इज़ अ आफ्टर ट्रीटमेंट फॉर करोना ऑल्सो मेडिकल कैनबिस रिलेटेड यूएस में तभी बाकी स्टेट्स में इतना लीगल कर दिया गया ना करोना के अंतरकाल में ही क्यों इतना ज्यादा लीगल हो गया हर जगह क्योंकि करोना जैसी बीमारी के टाइम पे जो कैनबिस यूजर थे उनको करोना नहीं हो रहा था तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है ये और अगेन मैंने ईजाद नहीं की मैंने तो सिर्फ रिसर्च पेपर पढ़े और सामने सामने देखा क्या हो रहा है क्या नहीं You you were telling something about spirituality in old times and new our time. Would you like to put more on that? Uh, yes. So uh, jo ancient religion था हमारा और है अभी भी काफ़ी थोड़ा चेंज हो गया है मॉडर्नाइज हो गया और जो मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी है एक है एंशंट रिलीजन एक है मॉडर्न रिलिजन और एक है स्पिरिचुअलिटी ये तीनों का अंत में मतलब होता है एवोल्यूशन सोल बॉडी माइंड का और इसमें साइकेडेलिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कि देश विदेश शुरू से शुरू शुरू से समझते थे सिविलाइजेशन शुरू से समझते थे क्योंकि आयुर्वेदा में लिखा है Uh, फिर मायन सिविलाइजेशन के लोगों ने वो जो uh, ड्राइंग्स करते थे पत्थरों पे उसमें है hmm. फिर नेटिव अमेरिकन यूएस hmm. के जो आदिवासी हैं उन्होंने भी hmm. ये साइकेडेलिक्स को इस्तेमाल जैसे ही एक प्यूबर्टी हिट होती थी hmm. एक इस्तेमाल करवाया जाता था इन सब सब्सटेंसेस का hmm. ताकि आपको पहले ही पता चल जाए बड़े बुज़ुर्गों के साथ रहते रहते ही उसी टाइम पे कि क्या सही है क्या गलत है और इसमें से क्या आपके दिमाग में क्या क्या जो डबल ट्रिपल चीज़ें दिख रही हैं समझ में आ रही हैं उसमें सच्चाई क्या है और नहीं। क्या नहीं है नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर 2023 में भी हम सिमिलर तरीके से एक मिडिल पाथ बनाएँ बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कलेक्टिव कॉन्शियस एवोल्यूशन में Hmm. क्योंकि आज की तारीख में जिन जिन देशों में ये इलीगल है वहां का यूथ एंटी गवर्नमेंट होता जा रहा है hmm. वो गलत चीज होती जा रही है ओवरऑल okay. उनको वो नेगेटिव सोल्स में कन्वर्ट करेगी अवेकेंड नेगेटिव सोल्स बहुत बुरा फ्यूचर लेके आएंगे okay. और उसका नतीजा ये था क्योंकि हमने उनको लड़ाई और डिफेंस मोड में डाल के रखा था वो अपने आप को डिफेंड करने में ही लगे थे छोटी छोटी चीजों पे जबकि गांजा चरस गलत इतनी बड़ी बात नहीं है जब पूरा दुनिया उससे खरबों कमा रहा है और बिजनेस कर रहा है और यूज कर रहा है लेकिन अगर देखा जाए शुरुआत हुई थी महुआ से नक्सल बनाने में ना तो जब आप आदिवासियों से उनकी कुछ ही चीजें तो होती है जिससे वो कमा सकते हैं वो भी ले लेंगे तो वो सोल स्पिरिचुअल नहीं रह जाएगी वो पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं रह जाएगी तो मैं चाहूंगी कि उसको एक होलिस्टिक तरीके से देखा जाए और गवर्नमेंट भी ध्यान दे कि क्या वो भी एक, एक वो बन रहे हैं इसमें नेक्स्ट यूथ को नेगेटिव टूवर्ड्स गवर्नमेंट बनाने में क्योंकि मैं चाहूंगी कि आज से दस साल बाद चाहे वो इंडिया का यूथ हो चाहे वो नेपाल का यूथ हो वो गवर्नमेंट बनने में हिस्सा बने बनाने में खुद एक हिस्सा हो ऐसा ना बोले कि पॉलिटिशियन तो जिंदगी में बनना नहीं है, नहीं। है ना तो आज की तारीख़ में और नेगेटिव होते जा रहे हैं मम्मी पापा के टाइम पे थोड़े नेगेटिव थे अभी और नेगेटिव होते जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है डिक्टेटिंग टर्म्स हो रहा है जबकि ग्लोबली कुछ चीज़ें एक्सेप्टेड है और स्पिरिचुअली हमारे यहाँ भी एक्सेप्टेड है और ये स्पिरिचुअल क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कॉन्शियसनेस अवेकेंड है इनकी तो वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं mm. तो उनका सुनना भी बहुत ज़रूरी है ऐसे मुझे लगता है गवर्नमेंट्स को अगर सुनेंगे तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा एक कलेक्टिव चेंज लाएंगे टुगेदर वी विल ब्रिंग अ बेटर चेंज इज वॉट आई फील है ना अगर टेबल पे बुलाओगे नहीं क्योंकि वो चरसी है तो वो टेबल तोड़ने की कोशिश करेगा ना इज वॉट आई फील क्या मैं अभी वो गांजे का जो स्पिरिचुअल इफेक्ट होता है ना उसमें थोड़ा जाना चाहता हूँ जैसे हमने सुना है कि ध्यान से साधना से जो बहुत बरसों लगते हैं जो रियलाइजेशन करने में गांजा के जो ट्रिप है ट्रिप में बहुत से रियलाइजेशन फर्स्ट हैंड ही मिलते हैं ऐसा आपने सुना देखा मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है लेकिन इसके लिए सही संगति बहुत जरूरी है क्योंकि जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो आपको वो नेगेटिव ट्रिप भी हो सकती है अगर कोई बताने वाला ना हो और जो सालों साल तपस्या करके पावर्स मिलती हैं उसका प्रिव्यू गांजे से मिलता है पावर्स नहीं मिलती हैं आप प्रिव्यू देख सकते हो ट्रेलर देखते हो ट्रेलर देख सकते हो पिक्चर नहीं दिखती है ट्रेलर hmm. भी दिखना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि उसने अभी तक मेडिटेशन Atle, भी नहीं किया था एटलीस्ट पता चला कि क्या है उस पार exactly. अब वो आप चढ़ाई करो उस पार जाने की लेकिन जब तक आप वो तपस्या नहीं करोगे आप उस पार नहीं पहुंचोगे ट्रेलर ही देखते रहोगे और दिखाते रहोगे चलो so, तभी so, अध्यात्म so, उतना so, ही जरूरी है आप स्मोक करके कई लोग हैं मेडिटेशन करते हैं okay. हमारे साधु संत करते हैं, योगा करते हैं आपको वो इनहेंस कर देगी आपकी वो पावर लेकिन आपको उसके बाद वो करना जरूर पड़ेगा तो 20 मिनट अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 10-15 मिनट स्मोकअप कर एक स्मोक किया उसके बाद आपने 20 मिनट ही मेडिटेशन की हो सकता है वो आपको एक घंटे की मेडिटेशन का इफेक्ट दे हैविंग सेड दैट अगर आपके पास कोई सही गुरु ही नहीं है बताने के लिए कि आपको क्या देखना चाहिए या क्या दिख रहा है उसका मतलब क्या होता है तो फिर फायदा क्या वहाँ तक है ना पहुँचने का जाने का क्योंकि मेडिटेशन में भी कई प्रकार के लेवल्स होते हैं कई चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप इन्हेंस uh, होते हैं ट नेगेटिव भी होता है वहां पे काफी कुछ तो आई फील दैट जितना ये इन्हेंस करती हैं चीजों को उतना ही बिना गुरु या बिना करेक्ट संगति के यू विल गो डिप सात ऊपर सात नीचे सात लोग ऊपर सात लोग नीचे mm. ऐसा mm. है ना सॉरी सिक्स लोक ऊपर सिक्स लोक नीचे एंड दिस इज द मिडल ग्राउंड मिडल इज अर्थ राइट तो तेरह लोक हो गए एक तरह से धरती मिडिल करेक्ट तो अब वो नीचे लेके जा सकती है संगति और यही गांजा या ऊपर लेके जा सकता है वो संगति इन्वायरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है सिंपल mm. अगर आप वाइट बैकग्राउंड में लाइट कलर्स में मेडिटेशन करो और आप डार्क में करो बहुत डिफरेंस पड़ता है है ना अगर आप पूरी लाल दीवार में करो या काली दीवार में करो आपकी अंडरस्टैंडिंग ही स्पिरिचुअलिटी में थ्योरी ही डिफरेंट आती है करना ये सारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं आप करके देखना तो is, you know, तो आई फील इट इज़ यू नो तो मच द जो साधु संत करते थे जैसे संगति बहुत इम्पोर्टेंट तो शिव को जो हम एसोसिएट करते हैं भगवान शिव रहते थे कैलाश में जी और वहां पर बहुत ठंड था जी और कपड़े तो ऊपर पहनते नहीं थे तो जब गांजा पीते थे तो उसकी वजह से उनको ठंडा नहीं होता होगा देखिए मैंने इतना तो देखा है कि आ। आ, मैं बहुत ट्रैकर्स के साथ गई हूँ मैंने ट्रैकिंग खुद भी की है साढ़े नौ दस हज़ार फीट तक मैं गई हूँ हिमाचल में एक लेवल तक आ, रही भी हूँ और आ, चरस शरीर को गर्म करता है लेकिन हम बात करें शिव जी की स्पेसिफिकली तो उनको तो क्या ही जरूरत वो तो आदि योगी है ना exactly. वो तो अपनी अंदरूनी गर्मी से भी तो कर सकते हैं तो नहीं, नहीं अंदरूनी गर्मी से भी वो वो कर सकते कर तो सकते। मैं उनका वो बात ही नहीं करूंगी मैं करंट ह्यूमन पॉपुलेशन की बात right. करती हूँ या उस टाइम के भी ह्यूमन पॉपुलेशन की बात right. करती हूँ चरस शरीर को गर्म करता है hmm. चिलम आपके लंग्स को एक्टिव रखती है आपको चढ़ने में मदद मिलती है क्योंकि आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है जो चिलम पीते हैं उनको जो लोग बोलते हैं खांसी हो रखी है वो खांसी नहीं है एक्चुअली उनका लंग सबसे ज़्यादा साफ होता है क्योंकि वो खास खास के सब निकाल देते हैं बलगम के साथ hmm. जो बहुत ज़रूरी होता है अच्छा। सारा वायरस जो है जो बैक्टीरिया जो आ रहा है कहीं से भी ah. वो खास के निकाल दिया थूक दिया वो hmm. खांसते नहीं रहते hmm. वो खास के एक बार में निकाल देते बहुत बड़ा डिफरेंस है ये चीज़ एक्सक्रीटिंग इट आउट पीछे से आगे से करें तो वो वो कर देते हैं छोटी hmm. छोटी चीजें इंसान देखता है और सीखता है लंग कैपेसिटी जब आप खींचते हो तो आप hmm. नाभि से खींचते ना पूरा लंग जो धुआं जाता है hmm. आपके अंदर वो सांस जब फिर आप ट्रेकिंग करते हो जब ऑक्सीजन की कमी में आप चल रहे होते हो hmm. बहुत काम आता है ये सब तो आप कह रहे थे कि हिमालय में जो रहते हैं exactly, एग्जैक्टली तो ये है पर। हाँ मैं खुद भी रही हूँ पाँच साल रही हूँ मैं तो बर्फ तो तो मतलब घुटने घुटने तक जिसको बोलते हैं पानी तोड़ के सॉरी तो पानी तोड़ के आरफ बाल्टी में बर्फ तोड़ के पानी निकाल के साढ़े छह बजे हर रोज वॉशरूम जाना तीन महीने तक साढ़े लाइक इमेजिन लाइक यू नो मैं पांच मिनट तक आके ना ऐसे बैठी हुई रहती थी टेंट के अंदर <laughs> लेकिन आप मैं मैं ज़िंदा भी हूँ सब कुछ है नॉर्मल भी है mm. और मेरे अलावा भी कितने लोग करते हैं जाते हैं आते रहते हैं मैं भाई जिनको जानती हूँ वो तो सब ऐसे ही वाले हैं वो चिर चरस और चर, चिलम चर, 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 पीते हैं हाँ बेटरमेंट के लिए पीते हैं तभी वो ट्रैकिंग भी कर पाते हैं लेके भी जाते हैं और काफ़ी कुछ उनके यू नो हैव वन ऑल्सो अवार्ड्स एंड थिंग्स लाइक दैट अब अगेन कौन किसका कितना इस्तेमाल उस चीज़ का करता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और किस तरह से किन लोगों के साथ करता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके अलावा अगर आप बात करते हैं आ, जो साधु संत रहते हैं जैसे केदारनाथ पे रहते हैं अमरनाथ में रहते हैं वो लोग भी जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं महीनों महीनों कुछ लोग नहीं खाते हैं चिलम धुनी जल रही होती है चिलम रहे होते हैं दो तीन दिन में दाल सिर्फ पीली तो है इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा बोलते हैं बुद्धा हर रोज एक बीज खाते थे हेम्प का जब वो सैलवेशन की तरफ जा रहे थे जब वो अपने आप को कुछ भी खाना जब उन्होंने बंद कर दिया तो बीज एक खाते थे सिर्फ हेम्प का तो ऐसे कई चीजें लिखी गई हैं उसमें उतनी शक्ति होती है एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट आल्सो सिर्फ पढ़ाई नहीं है मैंने एक्सपीरियंस भी किया ये चीज कि मैं आपको को यही पूछने वाला था कि जो ट्रेलर वाली बात तो हो गई लेकिन ट्रेलर में नहीं रुकता ना तो ट्रिप तो मैं तो मेडिटेशन भी करती हूँ योगा भी करती तो, हूँ अभी थोड़ा बहुत तो उसके बाद तो जो आपका जो स्पीड बढ़ा हुआ होगा जो एक्सपीरियंस हुए होंगे और और भी संतों का संग हुआ आपका जो जो गांजे का जो क्या बोला आपने दारू का वो जैसे भांग ठेका होता है भांग का जो कुछ को टर्म बोल रहे थे आप जैसे चाय का वो होता है जो कंपाउंड्स होते हैं हाँ, जो स्ट्रेंज होती है भांग की मल्टीपल स्ट्रेन होती है उसको ट्राई करते हैं हम हाँ चलो तो जो ट्रेलर जो पहले पिक्चर का पिक्चर ट्रेलर दिखता है हाँ, तो उसके बाद जब वो मेडिटेशन करता है और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है तो उससे और ऊपर जब वो ट्रैवल करता है एस्ट्रली, स्पिरिचुअली थ्रू दैट ट्रांसेंडेंटल फ्लाइंग और एक्सपीरियंस बताइए कुछ I am not equipped to say things like that. I would say hmm. क्योंकि मैं अभी भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ और hmm. ये सारी चीज़ें गुरु बताएं इन hmm. चीज़ों के बारे में तो बढ़िया होता है uh, लेकिन ना इनसे जो एनर्जी मिलती है ये hmm. सब सब्सटेंसेस से इट्स लाइक like, आपके हाथ में पोर्श पौश जो गाड़ी होती है या यू you नो know, कोई और गाड़ी समझ लो मर्सिडीज़ यू नो वो उसकी चाबी दे दी लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन में मर्सिडीज़ भी लेके जा रहे होगे तो जा तो गलत डायरेक्शन में रहे हो ना तो वो पता होना बहुत ज़रूरी है या कोई आसपास होना ऐसा बहुत ज़रूरी है जो मर्सिडीज़ को भी सही डायरेक्शन में घुमा के लेके जाए या पौश को भी है ना तो वो गांजे से गांजे को इस्तेमाल करने के बाद दिमाग शरीर आत्मा मर्सिडीज़ जैसी बन जाएगी थोड़े टाइम के लिए अब्यूज़ में इंजन ठप हो जाएगा दिमाग मतलब आपका hmm. क्योंकि आप अपनी दिमागी दुनिया में अटक जाओगे hmm. ऐसे करो कि आप बाहर की रियलिटी को भी और दिमाग की रियलिटी को भी साथ में मिला के वो चलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसीलिए जब लोग होते हैं साथ में hmm. ऐसी संगति होती है साथ में तो इजी हो जाता है वो अपलिफ्टमेंट इट्स हाइक टू गैलेक्सी नामक फिल्म है ना तो बहुत से फिल्मों में और भी फिल्मों में जो ट्रांस होता है ट्रांस के संबंध में डिपेक्ट करते हैं फिल्म मेकर्स और वो ऐसा ही नहीं बना हुआ है वो सही में कुछ ऐसा होता है कि जैसे ट्रिप में जब आदमी होता है तो पता नहीं उसके नाखून बढ़ने लगेंगे उसके मुंह से दांत बाहर निकलने लगेंगे कुछ भी हो सकता तो है तो अब वही ना तो फॉर एग्जांपल वो स्टेज में मैं जब वो स्टेज में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ पौधों को सांस लेते हुए अच्छा मैं अपने आप को जानवरों से बेटर कनेक्ट कर पाती हूँ। बिना मुंह से आवाज निकाले उनकी आंख में आंख डाल के बातें समझ पाते हूं मैंने सिलोसाइबिन मैंने मशरूम पे जानवरों से बातें की हैं कनेक्शन mm. हुआ है और जानवर मतलब वाइल्ड एनिमल्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डॉग कैट गोट योर है right. ना सो so, वो एक्सपीरियंसेस नॉर्मल स्टेट में नहीं हो सकते हैं एंड इट इज़ बियॉन्ड बट आई एम ऑल्सो अभी भी मैं सीख रही हूँ उन चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंसेस उनको कर रही हूँ और पूरी ज़िंदगी वही एक्चुअली में होता है कई लोग ये एक्सपीरियंसेस को बहुत लेट समझते हैं बीस साल की उम्र में या तीस साल की उम्र में नहीं समझते वो पचास साठ सत्तर में ये सब एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तीस साल की उम्र में ये सारे एक्सपीरियंसेस चीज़ करने का मौका मिल रहा है क्योंकि कई बार ये सारे एक्सपीरियंसेस करने के लिए शरीर काम नहीं दे रहा होता है साठ सत्तर साल की उम्र में जब आप पहाड़ों में जाके तीर्थ कर रहे होते हो तो शरीर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो आप सोल में भले ही कितनी एनर्जी आने की कोशिश हो रही हो आप वो समझ नहीं पा रहे होते हो hmm. लेकिन अभी टू द हाइट कोर आपके शरीर को समझ में आ रहा होता है दिमाग को समझ में आ रहा होता है देर आर फ्यू टैबू अबाउट स्मोकर्स ऑफ़ गांजा इन सोसाइटी स्पेशली देर बट विल विलिंक दे विल बी लीन एंड थीन

कि आप वो करने के बाद कर क्या रहे हो कहीं किसी नाले वाले के पास बैठ के फूक रहे हो या किसी पहाड़ पे सत्संग कर रहे हो गाने गा रहे हो साथ में प्रभु को याद कर रहे हो है ना तो बहुत बहुत फर्क पड़ जाता है नहीं। नहीं। तो मेरी शायद जो चमक और वो, <laughs> वो प्रभु का नाम लेने पे है और क्या ही बोल सकती हूँ मैं है ना लेकिन आ, तो ये जो टैबू है ना आज से 200 साल पहले औरत होना ही एक टैबू था औरत आज से साल पहले बेटी पैदा करना टैबू था। तो तो दुनिया तो कहेगी उनका तो काम है कहना बेटी वाले बात जो आपने छेड़ दिया है चलो उसमें पूछ ही लेते हैं Being a woman, एक स्त्री होने के बाद जो आप ये जो प्रोजेक्ट लेके काम कर रहे हैं तो और बहुत जगह जाना पड़ता होगा और फिर गांजा पीने वाले के साथ जो संगत करना होता है तो लोग पता नहीं वो आपको क्या करेंगे वो दूसरी बात है लेकिन लोग आपको तो परहेज़ करते होंगे परिवार वाले भी करते होंगे जो आप काम कर रहे हैं इसमें जाएं ना जाएं मैं बहुत लकी हूँ मैं ये बोलना चाहूँगी कि आ, मैं पढ़ी लिखी एक चीज़ है हूँ और मेरे आसपास वाले भी तो जो परहेज करना या ना करना पूरी दुनिया में आठ बिलियन लोग हैं अगर हम लकी होंगे तो शायद फिज़िकली एक मिलियन लोगों से कभी मिल पाए तो मैं उन्हीं लोगों के साथ उठती बैठती हूँ स्पेशली लास्ट दस सालों से और फिर भी मेरे पास टाइम नहीं बचता फिर भी हर रोज़ कम से कम दस लोग रह जाते हैं मिलने के लिए जो इस चीज़ को अच्छा समझते हैं और जानते हैं साइंस को मानते हैं hmm. तो मैंने ये बहुत बढ़िया सीखा है कि उन चीज़ों पे कंसंट्रेट करो जो आपकी एनर्जी दुगना करता है ना कि उन चीज़ों पे जो कि आपको नीचे लेके जाता है hmm. क्योंकि दोनों चीज़ें हमेशा रहेंगी आप अपनी एनर्जी इट इज़ एज़ हार्ड एज़ आई मेक इट अगर मैं अपने दिमाग में अटका के रू रख, रखूँगी कि वो क्या hmm. सोच रहा है तो फिर मैं क्या सोचूँगी hmm. तो मैं सिर्फ सोचती हूँ कि मैं कितने लोगों की जान बचा सकती हूँ या कितने लोगों को पढ़ा सकती हूँ hmm. सच्ची में क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं सोचा था एक टाइम पे। एंड आई रियलाइज इट doesn't matter मैटर वो चेंज करेगा ही नहीं वो फिर भी सोचता रहेगा hmm. जिसको ऐसा बुरा सोचना है hmm. जिसको अच्छा सोचना है वो वैसे भी अच्छा ही सोचेगा तो लेट देम थिंक अबाउट इट जैसे हम ये जो इंटरव्यू पहले एक पार्ट कर चुके हैं mm -hmm. और हिंदी में कर चुके हैं आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो नेपाली में भी बोल सकता हूँ लेकिन आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा फिर ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि आप नेपाली हो के नेपाली में बोलिए क्यों इंडियन भाषा में बोल रहे हैं हिंदी में बोल रहे हैं इंडियन नेबर स्पीक नेपाली वाई आर यू स्पीकिंग देर लैंग्वेज लोग तो ऐसे भी बोलते हैं लोग तो मुझे इंडिया का इंडिया का कोई सी एजेंट भी बोलते हैं लोग तो जो भी बोलते हैं कुछ भी कहते हैं लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसलिए कन्वीनियंट होगा सीधा मैं नेपाली में पूछूँ फिर नेपाली में ट्रांसलेट करूँ आपको फिर ट्रांसलेट करके आपको बताऊँ फिर आप आंसर दीजिए मेरे को थोड़ा बहुत तो नेपाली See, समझ में आता है जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था दादाजी ऐसे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर इतना दुख और दर्द है mm. कि दूसरों का कुछ अच्छा नहीं देख पाते अभी मैंने तभी आपको बताया था ना कि आप उस चीज़ पे कंसंट्रेट करो ना जो mm. चीज़ ऐड करेगी ह्यूमैनिटी में लाइफ mm. में है ना एग्जैक्टली माय माय मोटो इज नॉट अबाउट लैंग्वेज माय मोटो इज टू इंफॉर्मेशन टू एज मच एज पीपल एंड ऐट the एंड ऑफ द डे यू नो जो हिंदी या इंग्लिश वाली बात हो जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी लकी दैट मैंने जो मुझे सर्टिफिकेट भी मिला था कैनबस टीचर का वो एक नेपली साइंटिस्ट जो कि यू में है, एक इंस्टीट्यूट चला रहे उन्होंने ये उपाधि दी थी सर्टिफिकेशन और मेरा पहला बैच सिर्फ और सिर्फ तीस नेपाली बच्चों का था ग्लोबली नेपाल में भी wow. थे वो दस और बाकी बीस ग्लोबली फिर भी मैंने हिंदी और इंग्लिश में ही बात की थी hmm. क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और अगर सिर्फ भाषा hmm. की वजह से वो सीमित रह जाए hmm. तो जिसके पास वो ज्ञान है वो hmm. उसके ऊपर एक कार्मिक साइकिल अटैच हो जाती है hmm. तो भाषा इज़ जस्ट अ वे यू नो क्योंकि ऋषि मनु की थोड़ी भाषा अलग थी ऋषि वशिष्ठ की अलग थी जमदंगनी ऋषि की अलग थी वो जहाँ जहाँ से आते थे लेकिन वो ऋषि थे वो बैठ के अपना ज्ञान इकट्ठा करके लोगों का संसार में भलाई के लिए थे तो हमें वो सारी चीज़ें याद करनी चाहिए आ, लेकिन वही हो जाता है हैं तो हम इंसान हम बाकी चीज़ों के बारे में भी सोचेंगे तो इन सब लोगों से मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि होपफुली uh, मेरी नेपाली बहुत अच्छी हो जाएगी आप लोग प्रे करें कि मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी यहाँ पे और फिर उसमें फिर नेपाली में बात करेंगे नहीं तो कुछ रिश्तेदार हैं लख, लखनऊ में भी बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छे से नेपाली में बात कर सकते हैं जैसे कि मैंने बोला कि मेरे दादाजी नेपाल से थे और मेरे दादाजी के दादाजी तो ज़िंदा नहीं रहे बट दादाजी के छोटे भाई वगैरह हैं जो कि यहीं से आए थे अब वही हो जाता है ना कि माइग्रेशन को भी रोकने की एक वो हो जाती है जिम्मेदारी हम जैसे लोगों की हो जाती है कि हम नेपाल में ही क्यों ना इतना पैसा कमा लें कि यूथ जो है वो दूर दूर जाए ना और फिर अपनी भाषा ना भूल जाए अपने बच्चों को और पोते पोतियों को ना सिखा पाए वो भाषा भाषा तो एक तरह से मैं उसी को करेक्शन थोड़ा सा भी मैं करने के लिए भी आई हूँ करेक्शन के आई बट अगर मैं थोड़ा सा उस चीज़ में मदद कर सकूँ तो वाई नॉट So, uh, मेरा प्लीज ईमान देखे मेरा धर्म देखे right. uh, मेरी भाषा खाली अगर सुनेंगे तो फिर यू uh, नो you know, मैं क्या ही बोल सकता बिल्कुल यू आर ऑल्सो मेन्शनिंग अबाउट हाउ वी कैन कनेक्ट दिस गांजा थिंग विद टूरिज्म बिकॉज़ थाईलैंड ने अभी सेक्स को टूरिज्म का जरिया बनाया है अब हॉलैंड में देखिए पर नॉट ओनली थाईलैंड में गांजा भी लीगल कर दिया गया है बट हॉलैंड है एम्सटरडम है कैनेडा है, है आ, में यूएस में न्यूयॉर्क है लास वेगस है ये सारी जगहों पे लीगल है कैलिफोर्निया कोलोराडो दुनिया का हब है नो इंडस्ट्रीज के लिए इसराइल इनोवेश के लिए नेपाल के पास बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है बिफोर लीगल बिफोर बैन Uh, जैसे ईडन हशीश सेंटर हुआ करता था ये सारी चीज़ें थी ये हिप्पी ट्रेल में बहुत इम्पोर्टेंट जगह हुआ करता था काठमांडू उसमें kingdom. बहुत यू नो ग्रोथ नेपाल वाज हिप्पी किंगडम एग्जैक्टली इट वाज द हब जिसको बोलते yeah. हैं कैनबिस <clears throat> का जो राइटफुल हक जो था वो नेपाल को था काठमांडू को स्पेशली था <clears throat> और आज भी अगर uh, जाके यू uh, नो you know, लीगल करते हैं <clears throat> तो इतनी होल्ड रखता है ये पावर कि uh, <clears throat> वापस से एशिया में बन सकता है लेकिन उसके लिए हमें जल्द से जल्द शुरुआत करनी पड़ेगी क्योंकि थाईलैंड ऑलरेडी टेक ओवर कर चुका है उसने लीगल कर दिया है टूरिज्म उनका ट्रिपल हो चुका है अभी जब मैं आपसे यहाँ पे बात कर रही हूँ ट्वेंटी एट्थ टू थर्ड मार्च वहाँ पे हेम्प फेस्टिवल बहुत बड़ा है फाइव स्टार होटल में पांच दिन का फेस्टिवल है यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया से लोग आ रहे हैं सो आई थिंक नेपाल शुड वेकअप टू द अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एट द एंड ऑफ द डे आप आ, उसको सिर्फ mm. नशे की तरह ना देखें उससे हेम्पक्रीड बनता है कपड़ा बनता है उससे दवाई बनती है उससे वुड बनता है उससे वुल बनता है उससे पेपर बनता है द लिस्ट गोज़ ऑन सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ यू नो लुक एट द 9,999 गुड यूजर्स एंड नॉट जस्ट वन जो आपको लगता है जो कि हम ह्यूमन ऑल्टर कर सकते हैं जिस चीज़ को mm. है ना एक दूसरे को सिखाएं सबको सिखाएं कि उसका यूज़ क्या है अब यूज़ नहीं सो hmm. टूरिज़म yeah, so बहुत अच्छे से बढ़ेगा बहुत अच्छा लगा आपको हमें हमारे ये प्रोग्राम में पाके बहुत अच्छा लगा uh, एक एक बहना हमें मिल गई है भारत से ना yes. uh, हम तो गुरु बहन बन गए हैं गुरु भाई बन गए हैं दिस इज़ सच ए नाइस थिंग एंड आई एम रियली ऑनर्ड थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेल्युएबल टाइम Was really wonderful talking and meeting you. Uh, कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में हमारे दर्शक के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वापस से मुझे बुलाने के लिए इस बार थोड़ा लंबा हमने uh, पूरा इन डेप्थ हम गए सब्जेक्ट पे और uh, मेरी यही कोशिश uh, रहेगी कि अगली बार जब मैं आऊँ तो हो सकता है एक गुड न्यूज़ हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी और उसके साथ ही साथ जो मैं पर्सनली भी आई थी वो शिवरात्रि मनाने के लिए आई थी एक तरह से सिमिलैरिटीज़ भारत और नेपाल में हमारी जो रूट है ना वो एक ही है सनातन अगर राम जी हमारे अयोध्या के तो फिर सीता मैया है ना यहीं से आई ना नेपाल की तो हमारा जब रूट सेम है तो हमें एकता आ, दिखानी चाहिए और उसमें एक ब्यूटी है क्योंकि डिवाइड एंड रूल तो यू you नो know, अंग्रेज करते थे हम तो मतलब यूनिटी इज द पावर में बिलीव करते देखिए वासुदेव कुटुम्ब कम बोलते हैं देखिए मतलब राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में और नेपाल का सालीग्राम में हाँ देखिए तो ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली exactly, ये सारी yeah. चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और मेरे ख्याल से वही एक सतयुग बोलते हैं ना कलयुग की साइकिल ख़त्म हो रही है सतयुग आ रहा है तो yeah. इस बार शायद राम जी और सीता जी शरीर में ना आके देशों में ही है पूरा पूरा देश ही है एक तरह से तो एकता आई थिंक इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज अलग हो लेकिन फिर भी धर्म yeah. सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसके अनुसार अगर हम लाइफ भी जिए चीज़ें भी करें आई थिंक सो दोनों जगह बहुत बढ़िया डेवलपमेंट भी होगा और सुख शांति भी रहेगी बस तो बहुत मजा आया थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल टाइम दर्शक बिन आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इट वॉज वंडरफुली नमस्कार with Swa Saga.